global advertiser for innovative outdoor solutions. बिल्कुल, आप लोगों का पहले वेलकम हमारे सेट पे। चोर मचाए शोर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमिक एक्शन एंड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, एंड मेरा कैरेक्टर इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही शेड्स है मेरे कैरेक्टर में। मेरे कैरेक्टर का नाम दुर्गा है, लेकिन सिर्फ एक्शन ही नहीं, बहुत कुछ करते नज़र आऊँगी इस फिल्म में। चोर और क्या चोरी करते हैं? नो, चोर मेरा दिल चोरी नहीं कर पाता, इतना बड़ा चोर नहीं है। वो तो छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। और चूंकि मैं इसमें पुलिस वाली हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हीरो चोर है और हीरोइन पुलिस है। तो ये यू नो चोर बिल्ली चूहा बिल्ली वाला स्टाइल का खेल देखने को मिलेगा। इसी बीच में दोनों प्यार में कब पड़ते हैं, प्यार कब होता है, ये सब तो फिल्म देखने के बाद मजा आएगा। ऐसा नहीं, इसमें मैं पुलिस हूँ और हीरो चोर है, और मनोज टाइगर भी इसमें चोर हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। यू नो मैं बोल नहीं सकती, जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। आई एम वेरी हैप्पी। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके साथ मैंने इतनी बार स्क्रीन शेयर किया है। जब उन्होंने कहा कि वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करने का सोचा, तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। क्योंकि जब कोई सीनियर एक्टर फिल्म बनाते हैं और वो हमें अपनी फिल्म के लायक समझते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन किरदार दिया। इसमें मेरे साथ जो हीरो हैं, आकाश हैं। आकाश बहुत ही टैलेंटेड हैं, पूरे चोर लग रहे हैं इस फिल्म में। अंजना सिंह हैं। अंजना का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो गांव की बड़ी अल्हड़ टाइप की लड़की है। उसका मेरा बहुत टशन है फिल्म में, क्योंकि मैं बहुत ही मॉडर्न स्टाइल की हूँ और वो गांव की है, तो लोगों को ये भी देखने मज़ा आएगा। स्वतंत्र स्टाइल का झगड़ा है हम दोनों के बीच में। और गाँव में से कई सारे कैरेक्टर्स हैं, दीपक सिन्हा जी हैं, गोपाल राय जी हैं, अवधेश हैं और संजय जी हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। यू नो टोटली मसाला फिल्म है चोर मचाए शोर। 2018 आ चुका है, क्या कुछ नया आपका रिलीज किया गया? रिलीज पे तीन फिल्में हैं। सबसे पहले तो आएगी बेदर्दी, इश्क बड़ा बेदर्दी है, देन चोर मचाए शोर होगी। सखी के बिया अभी भी करके आई हूँ, वो भी बहुत जल्दी रिलीज होगी, आई थिंक होली पर आ जाएगी। और अभी और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे काम कर रही हूँ। कौन सी फोटो? अच्छा, रितेश बैठे हैं और मैं पानी की बोतल लेके सोई हुई हूँ। राइट, वो है कुछ है, वो उसका ब्लास्ट होने वाला है, थोड़ा वेट करो, होगा बहुत जल्दी ब्लास्ट होगा वो भी। कुछ दिन पहले एक और ब्याह को लेकर बहुत चर्चा का था, शादी को लेकर। एक्चुअली पता नहीं, ये साल में जो फिल्में साइन कर रही हूँ ना, वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो शादी को लेके ही हैं, और टाइटल भी जो है मैक्सिमम शादी को लेके हैं। ये पता नहीं मेरे साथ ये कोई इंसिडेंट है, या पता नहीं लोग सिर्फ शादी के टाइटल्स ही लेके मेरे पास आ रहे हैं। तो वो एक शादी की एक न्यूज़ थी, ना कि मेरी कोई शादी की न्यूज़ थी। सखी के ब्याह में मैं गई थी, ना कि मैं अपने ब्याह में गई थी। बट ठीक है, लोग मेरी शादी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, करते रहे। अरे वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा।
मेरी उसके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत यू नो उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे ह्यूमन भी हैं. और इसमें एक और हीरो एंट्री ले रहे हैं, कुंदन, जो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स के लिए कुंदन एक बहुत ही अच्छे निखर के आएंगे क्योंकि ही इज़ वेरी फिट एंड फाइन. हाय, हाँ तुम्हारी बात हो रही है. एंड ही इज़ वेरी फिट एंड फाइन और आई थिंक यंगस्टर्स के लिए कुंदन एक बहुत ही यू नो यंगस्टर्स के लिए कुंदन बहुत ही उनके बीच में वो कहते हैं ना वो यंगस्टर्स का हीरो, जो यंगस्टर्स का हीरो होता है वो बन के कुंदन नज़र आएंगे इस फिल्म में. अभी सलमान खान की शादी नहीं हुई है, कुछ आप सोच रहे हो बात करने की? नहीं भाई, मुझे शादी नहीं करनी, रहने दो या माफ कर दो. सलमान खान ही इज़ माई फेवरेट एक्टर एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ उन्हें शादी कर लेनी चाहिए. और ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ये बहाना ना करें वो कि लड़कियों की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर वो एक बार बोल दें कि मुझे शादी के लिए स्वयंवर रचाना है तो मुझे लगता है कि वो इतिहास हिस्ट्रिकल स्वयंवर होगा उनका, तो मुझे लगता है उनको अब शादी कर लेनी चाहिए, डेफिनेटली कर लेनी चाहिए. आपको नहीं लगता कि आपके लिए स्वयंवर रखा जाए? बिल्कुल नहीं, मुझे भी स्वयंवर की कोई ज़रूरत नहीं है. और आप आजकल नए नए हीरो के साथ एंट्री मार रहे हैं, क्या रीज़न है? मैंने पुराने के साथ एंट्री कब मारी थी? न्यूज़ तो ये होनी चाहिए जब मैं किसी पुराने के साथ आऊँ. पता नहीं, एक कोइंसिडेंट रहा है मेरे साथ कि मैं हमेशा से नए एक्टरों के साथ ही, क्योंकि जो भी मेरी फिल्में रही हैं सलमान खान हीरोइन को लॉन्च करता है, भोजपुरी इंडस्ट्री की रानी चली हीरो को लॉन्च करता है. ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि नए नए एक्टरों के साथ मेरी फिल्में आती हैं, नए नए एक्टरों का एंट्री होता है. जब मैं आई थी तब ऐसा कोई भी नहीं था जो नए हीरोइनों को या नए हीरो लोगों को कास्ट करे, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा समझती हूँ कि हर एक्टर, क्योंकि हर एक एक्टर नया होता है, उन्हें एक मौका मिलने की ज़रूरत होती है. तो इसलिए मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं अपने जब करियर की शुरुआत में भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी नए एक्टर के साथ काम करने में. और वैसे भी जो मेरी फिल्में होती हैं वो मैक्सिमम मेरे ऊपर होती हैं, तो प्रोड्यूसर्स भी सोचते हैं कि नए एक्टर को ही लॉन्च करें. ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है. और इसमें जैसे आपने देखा होगा कि मैं पुलिस के वर्दी में नहीं हूँ, मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ यहाँ पे. और एक गांव में मैं सीक्रेट मिशन के लिए आई हुई हूँ. अब वो सीक्रेट मिशन क्या है, किसके लिए है, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. अब सारा सस्पेंस मैं यहाँ नहीं खोलना चाहती. नया साल मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, 2018. बहुत सारी चीज़ें इस ईयर मैंने सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करूँ. और मैंने अभी अभी अपनी वेब सीरीज शुरू करने का सोचा है जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे. उसकी शुरुआत मैंने कवर सॉन्ग से शुरू की है, आप लोगों ने शायद प्रोमोज देखे होंगे. परसों रिलीज़ हो जाएगा कवर सॉन्ग और उसके बाद वेब सीरीज़ शुरू हो जाएंगी, तो वेट एंड वॉच. सर, आज की जो फिल्म है वो है चोर मचाए शोर. इसके प्रोड्यूसर हैं कुणाल सिंह, भोजपुरी के भीष्म पितामह, और हीरो हैं कुणाल भैया के बेटे आकाश सिंह, और इसमें हीरोइन है अंजना सिंह और प्रियंका, ये रानी चटर्जी. इसके अलावा सिनेमा में संजय वर्मा हैं, अवधेश मिश्रा हैं, बबली हैं, और सन्नी सिंह हैं, मैं हूँ, दीपक सिन्हा हैं, और गोपाल राय भैया हैं. बहुत बेहतरीन फिल्म है, नाम से ही आप समझ सकते हैं चोर मचाए शोर एक कॉमेडी एक्शन फिल्म है, रोमांटिक एंगल भी है इसमें, बड़ी फन फिल्म है. दिमाग घर पे रख दो और जाकर एंजॉय करो सिनेमा में, ऐसा सिनेमा है. आज का क्या सीक्वेंस चल रहा है? आज का सीक्वेंस यह है कि हम और आकाश जो हीरो है और हम दोनों दोस्त हैं और दोनों चोर हैं, दोनों ट्रेन में चोरी करते हैं और एक ऐसे घर में आकर शरण लेते हैं. पता लगता है जिसका चोरी किया था उसी घर में हमने शरण लिया, तो वहाँ पर आकर के अचानक टकराते हैं और वो एक मुर्गा बन जाते हैं, हम लोग पोपट बन जाते हैं, उस तरह का सीक्वेंस है. जैसे कि आप कॉमेडी करते हैं, सीन में भी आते कॉमेडी देखने को धमाल कॉमेडी, मेरा वो रूप जो लोगों को बहुत पसंद है कि बतासा आएगा और हंसा के पागल कर देगा, तो इस सिनेमा में पागल करने वाला ही काम है मेरा. कुणाल जी की बात करें तो शायद ये स्टार्टिंग है, उनके बारे में आकाश बहुत अच्छा एक्टर है. भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अच्छा अभिनेता मिलेगा, कंप्लीट एक्टर है, हैंडसम भी है, डांस भी अच्छा करता है, एक्टिंग भी अच्छा करता है, परफॉर्मर भी तगड़ा है. ही इज़ वेरी गुड, कम्प्लीट भोजपुरी स्टार बनेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ.
और प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। जी, मेरी आने वाली फिल्मों में है दुल्हन गंगा पार की खेसारी के साथ, निरहुआ के साथ निरहुआ चला लंदन, और इसके अलावा यश कुमार के साथ भी एक फिल्म है, और एक फिल्म है चिंटू के साथ माई रेम के भले की चाही, इसके अलावा मेहंदी लगा कर रखना पार्ट टू, बॉर्डर, ये सारी फिल्में मेरी आने वाली हैं। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा भैया 2018 भोजपुरी के लिए शुभ हो, और आप लोगों के लिए भी शुभ हो। इस सिनेमा को भी प्यार दीजिए, आकाश को भी सुपर स्टार बना दीजिए, यही कहना चाहेंगे। नमस्कार। आज हमारे चोर मचा शोर के कुछ सीन्स हैं जो गांव के लोकेशन में होने वाले थे, वो सीन्स की शूटिंग यहाँ पे चल रही है। काफ़ी कॉमेडी और अच्छे सीन्स हैं। जैसे कि मैंने देखा आप झाड़ू लगा रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो उसके सीन के हाँ, उस सीन की ऐसी डिमांड थी कि सीन ही ऐसा था कि मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ और सडनली किसी की एंट्री होती है। अच्छा सीन है, जब फिल्म में देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं सारे लोग, और ये फिल्म एक फैमिली की तरह बन रही है। ट्रीटमेंट भी सारा वैसा ही है, सब लोग बहुत हैप्पी हैं और एक फैमिली के जैसे मिलजुल के हम लोग सब काम कर रहे हैं। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट? अभी मेरे आने वाली फिल्मों में है दुश्मन सरहद पार के, नागराज, प्यार काहे बनाया राम ने, लव एक्सप्रेस, चोर मचाए शोर, ये सारी फिल्में हैं, और सन की आशिक, शायद यही नाम है, सन की आशिक, ये सब फिल्में हैं। 2018 आ चुका है, लगा ही नहीं आप लोगों के प्यार से। ऐसा लग रहा था जब से आई हूँ बस सब वैसा ही है, बट हाँ अच्छा है। और आप हमारे दर्शकों ने, मेरे व्यूवर्स ने, मेरे फैंस ने, मेरे सारे फ्रेंड्स ने, आप लोगों ने इस समय का पता नहीं चलने दिया कि मैं कब से आई हूँ और आज 2018 आ गया है, तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसा ही मेरे साथ बना रहे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मेरी हर फिल्म में कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ नया करूं ताकि आप लोग एंटरटेन होते रहें। थैंक यू। मेरा नाम कुंदन कृष्णन है। कुंदन जी, क्या आपका सीन है आज का और फिल्म के बारे में चाहेंगे, कैसी क्या फिल्म है इसके बारे में? ये फिल्म का नाम चोर मचा शोर है, और इस फिल्म में मैं एज ए इंस्पेक्टर हूँ, और जो एक ऐसा विलन है जो जिसका कंसल्ट पाकिस्तान से है, उसी को पकड़ने में हम लोग लगे हुए हैं। आपका किरदार कैसा है, कितना इंटरेस्टिंग होगा लोगों को देखने? ये किरदार मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ एज ए इंस्पेक्टर, और मैं रानी मैम के साथ में हूँ, तो उसमें वो जो हमारे विलेन है ददुआ, उनको हम लोग खुफिया तरीके से पकड़ रहे हैं, और बहुत सारे कॉमेडीज़ और बहुत सारे इसमें रोमांस भी है, और तड़का है, मसाला है, गाने, आइटम सॉन्ग्स है, बहुत सारे कुछ हैं इसमें। मतलब आप को अच्छा शुरुआत मिल रही है? हाँ, मैं ये कहूँगा कि मेरी स्टार्टिंग है, तो मैं एज ए एक्टर मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बड़े बड़े लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत बेहतरीन, आप सुनाए। चोर शोर ही मचाएगा, फिल्म चोर मचाए शोर की शूटिंग चल रही है अभी फ़िलहाल, अंजना जी हैं, रानी जी हैं इस फिल्म में, और कुछ हास्यास्पद किस्से हो ही रहे हैं क्योंकि कॉमेडी सीन शूट कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो मज़ा आ रहा है जी। दोनों बेहतरीन हैं, दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यही तो प्रयास है इस फिल्म का। अनिकेत मिश्रा जी बहुत फिल्में पहले कर चुके हैं एज एन असिस्टेंट, एक दो फिल्में उन्होंने भोजपुरी बनाई भी हैं, हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छी कहानी देंगे दर्शकों को, मनोरंजन से भरा एक कंप्लीट एंटरटेनिंग फिल्म बनाएंगे, और उनके विजन को पूरा करने की प्रयास है और कुछ नहीं। इसी साल 2 महीने के अंतराल में मुझे उम्मीद है कि फिल्म प्रदर्शित जल्द हो जी। हम चाह रहे हैं कि भोजपुरी फिल्म के दर्शक और हिंदी फिल्म के दर्शक भिन्न नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो 100 रुपये की भी टिकट कटाते हैं और 30 रुपये की भी नहीं,
तो एंटरटेनमेंट वही रहे, प्रयास वो रहेगा ताकि हिंदी की तरफ रुख करें तो भोजपुरी की तरफ भी आकर्षित हों, ऐसा ही कुछ प्रयास रहेगा हमारा चोर मचा शो में। जी जी, देखिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फ़र्क है भोजपुरी हिंदी में, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, दर्शकों का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, हिंदी के दर्शक ज़्यादा हैं भोजपुरी के कम हैं, लेकिन तमाम बातें होने के बावजूद पैमाना और तकाजा सेम है, एंटरटेनमेंट टैलेंट तो वो जिसके पास होगा वो दोनों में सक्षम है और कारगर रहेगा। जी देखिए, समय देना और मौका मिलना दो अलग चीज़ होती है। हाँ, मौका मिलने के बाद अगर आप समय नहीं दें तो गलत होगा। जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा मैं अपने आप को समर्पित करता रहा हूँ, करता रहूँ मैं भोजपुरी के लिए। देखिए, इससे पहले हमने तेरे जैसा यार कहाँ कर चुके हैं हम, जिसमें पवन जी थे, रवि भूषण जी की फिल्म थी, तो ऐसा नहीं है कि चोर मचा शोर एक लॉन्चिंग फिल्म है। जी नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार पुत्र हैं तो चल जाएंगे, पब्लिक जो है कि उसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि उसका एंटरटेनमेंट हुआ, मनोरंजन हुआ कि नहीं, और दिल में सच्चाई लेके अगर आप काम किया जाए तो शायद वो सराहना करें। या आप प्रधानमंत्री के बेटे क्यों ना हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी जी हाँ, कॉमेडी सीन कर रहे हैं, मनोज जी बहुत प्रसिद्ध हैं इस मामले में, अपने बाकी रोलों में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया उनको, लेकिन खासकर कॉमेडी उनकी पकड़ बेजोड़ है और उनसे हर बार सीखने को ही कुछ मिल रहा है, बेहतरीन है एक्टर। देखिए, करनी कितनी चाहिए, रिलीज़ कितनी होनी चाहिए, अगर आप पूछे ढंग से कितनी करनी चाहिए तो मेरे ख्याल से 3 या 4 बेहतरीन है, अगर 2 महीने के अंतराल में। और अगर आप ऐसे तो चाहे तो 15 फिल्म कर लें साल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा दर्शकों का ख्याल रखते हुए कि उनको क्वालिटी मिले, कुछ अच्छा देखने को मिले, तो मेरी जो ताकत क्षमता है, स्टैमिना बोलिए जो भी कहिए, उस हिसाब से मैं 4 फिल्म पार लगा सकता हूँ साल में, मुझे ये उम्मीद है। नहीं नहीं, मेरे पास ना वो आवाज़ है, ना वो प्रतिस्पर्धा है, ना वो, नहीं मैं सक्षम नहीं हूँ बिल्कुल गाने। माफ़ी चाहूँगा, सवाल फिर से पूछिए। देखिए, पार्टियों में अक्सर क्या होता है, कभी कभार जब भेंट हो जाता है तो वो मेरे सीनियर हैं, तो जाहिर सी बात है कि वैसे हंसी मजाक का दौर तो चल नहीं सकता, उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन सबका आदर करता हूँ। हाँ ठीक है, वो बहुत स्नेह की भावना से मुझसे मिलते हैं और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, यही है हमारा रिश्ता। यही शादी क्यों नहीं, बिल्कुल, बहुत ही हृष्ट पुष्ट बलवान लड़का हूँ और शादी में रुचि रखता हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो न्यूज़ ब्रेकिंग आपने मुझे दे दिया है, क्या बात है, बेहतरीन, अभी जाके उनसे पता लगाता हूँ कौन है वो लड़का और आप लोगों को चुपके से आके बता दूँगा। कोई खूबसूरत लड़का ही होगा, इतना तो मुझे पक्का यकीन है। इस फिल्म में इस फिल्म में अंजना जी भी आप लोग भूल रहे हैं शायद, कंपटीशन तो दोनों बराबर है मुझे पाने के लिए। मत पूछिए, जलेबी और लड्डू, बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात छीन ली। मनोरंजन से भरपूर है, स्पाइसी गाना है, फराटेदार गाना है, डांस मस्ती है फिल्म में, सारे 8 के 8 गाने वैसे हैं और अलग फ्लेवर के हैं, मधुकर आनंद जी ने गाना दिया है और लिरिक्स प्यारेलाल कवि जी हैं, हमारे आज़ाद जी हैं और मेरे ख्याल से एक दो और लोग हैं लिरिक्स जिन्होंने लिखा है, और मैं चाह रहा हूँ कि उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा गाना मुझे लिख के दिया, इतना अच्छा धुन दिया है जिस पर हम नाचे हैं, और चाहेंगे कि ऑडियंस भी थिरके इन गानों को। मैं
कंपनी के बारे में कहना है, इमोशनल तौर पे तो सपोर्ट हमेशा से रहता है उनका, ऐसा किसी कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद अभिनेत्री रह चुकी हैं, फिल्मों को डायरेक्ट कर चुकी है, पहली फीमेल डायरेक्टर रह चुकी है भोजपुरी फिल्म की, तो उस हिसाब से कला मेरे अंदर आया है उनके उनकी तरफ से, तो मैं तो चाहूँगा ही कि उनका आशीर्वाद हमेशा रहे और है ही साथ में। थैंक यू। मैं आकाश सिंह यादव अपने सभी प्यारे दोस्तों और दर्शकों को तहे दिल से नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मंगलमय हूं, खुश रहें, आजाद रहें। धन्यवाद। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स डू कीप ऑन कमिंग again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.